आज हम बनाएंगे डिलीशियस चॉकलेट ट्राइफल कप्स। आइए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले एक बोल में शामिल करेंगे दूध आधा कप, अंडे की जर्दी 2 अदद, चीनी 5 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, कोका पाउडर आधा कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चुटकी। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कीजिए ताकि कोई लम्प्स बाकी ना रहे और मिक्सचर स्मूथ हो जाए। अब हम एक पैन में लेंगे दूध 3 कप। दूध को धीमी आंच पर बॉईल कीजिए और मसलसल चम्मच चलाते रहें। जब दूध बॉईल हो जाए तो आंच को बंद कर दें और चॉकलेट कस्टर्ड मिक्सर को शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब दोबारा चूल्हे को जलाएं और धीमी आंच पर कस्टर्ड को पकाएं। चम्मच को मुस्तकिल चलाएं ताकि कोई लम्प्स ना बने। धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकाएं या उस वक्त तक जब तक कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए। कस्टर्ड तैयार है, कस्टर्ड को ठंडा कर लें। अब हम चॉकलेट सॉस तैयार करेंगे। अब हम लेंगे डार्क चॉकलेट 100 ग्राम छोटे पीसेस में कटी हुई। चॉकलेट में शामिल करेंगे क्रीम 100 ml, मक्खन 1 खाने का चम्मच। तकरीबन 40 सेकंड से 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में हाई हीट पे गरम कीजिए। हैंड विस्क या एक कांटे की मदद से अच्छी तरह से बीट कीजिए जब तक चॉकलेट सॉस स्मूथ ना हो जाए। चॉकलेट सॉस तैयार है, इसको ठंडा कर लें। अब हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम 200 ml। इस बात का ख्याल रखें कि व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से ठंडी हो। इलेक्ट्रिक हैंड विस्क की मदद से क्रीम को अच्छी तरह से बीट करें जब तक वो फ्लफी ना हो जाए। अब हम लेंगे बेक पार्लर का चॉकलेट केक 200 ग्राम। केक के छोटे पीसेस कर लें और एक फूड प्रोसेसर में डाल दें। अब चंद सेकंड के लिए ग्राइंड करें जब तक केक क्रम्स की शक्ल में ना आ जाए। अब हम ट्राइफल को असेंबल करेंगे। अब हम डिजर्ट ग्लासेस में डालेंगे क्रम किया हुआ चॉकलेट केक हस्ब जरूरत। अब हम लेयर करेंगे व्हिप क्रीम हस्ब जरूरत। तैयार शुदा चॉकलेट कस्टर्ड से लेयर करेंगे। अब हम शामिल करेंगे कटे हुए अखरोट हस्ब जरूरत। अखरोट की जगह अपने पसंदीदा नट्स या फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम चॉकलेट सॉस के साथ लेयर करेंगे। दोबारा केक क्रम्स के साथ लेयर करें। दोबारा व्हिप क्रीम के साथ लेयर करें। कस्टर्ड के साथ लेयर करें। चॉकलेट सॉस फैलाइए। व्हिप क्रीम के साथ लेयर करें। वॉलनट्स के साथ गार्निश कीजिए। चॉकलेट फ्लेक्स के साथ गार्निश कीजिए। चॉकलेट ट्राइफल कप्स तैयार हैं। ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।